जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी के अंतर्गत हम एब्रीवेशन यूज्ड इन MPS इसके बारे में जानकारी लेंगे कि MPS के अंदर जो एब्रीवेशन यूज होता है उसका क्या अर्थ होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं MPS। MPS यानी मंथली पे स्लिप, तो इसका एब्रीवेशन हो गया MPS। इसी प्रकार पे स्लिप में एब्रीवेशंस कैसे समझें, क्योंकि यदि फुल फॉर्म दी जाएगी तो पे स्लिप बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो एब्रीवेशन के तौर पर समझाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि पे स्लिप में जो यूज कोड होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बिना कोड समझे पे स्लिप समझ नहीं आएगी, इसलिए कोड समझना ज़रूरी है, तभी आप पे स्लिप में जो पे एंड अलाउंसेज या जो भी आपका पेमेंट आएगा उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको इग्नोर और एस्केप नहीं करें। ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही देखें, जब आपके पास टाइम हो एक बार, दो बार, तीन बार में देख सकते हैं, लेकिन ये एब्रीवेशंस आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी पे स्लिप को आराम से समझ सकते हैं। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। एब्रीवेशंस यूज्ड इन मंथली पे स्लिप, यानी कि जो मंथली पे स्लिप होती है उसके अंदर जो एब्रीवेशन यानी जो शॉर्ट फॉर्म यूज होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले ABF, एक्चुअल बस फेयर। जहाँ पर ABF लिखा आएगा तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब होता है एक्चुअल बस फेयर। REG, रिजेक्ट, यानी कि PUR ने कोई REJ पार्ट ऑर्डर कर दिया है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये पार्ट ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है और इसको कैंसिल करवा के दोबारा पब्लिश करवाना है। AGIF, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, इससे तो आप जानते हैं। MR, पे स्लिप के अंदर जब नंबर 3 पेज पर MR लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए कि आपका पार्ट ऑर्डर मैनुअल रिजेक्ट हुआ है, ये कंप्लीट रिजेक्ट नहीं हुआ है। 3280 ऑब्जर्वेशन के साथ कंसर्न पार्ट ऑर्डर कॉपी लगाकर CTC करवा के वापस आपको POR में सबमिट करना है और आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। AMTREC, पे स्लिप में जब ये लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए कि अमाउंट रिकवरी, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है तो उसका रिकवर किया जा रहा है। AWL, अब्सेंस विदाउट लीव, यानी जब कोई जवान यूनिट से भाग जाता है बिना छुट्टी के तो AWL अब्सेंस विदाउट लीव होता है। एट कोर, सबसे ज़्यादा जवानों की पे स्लिप में एट कोर लिखा हुआ होता है, ये मार्च या अप्रैल की पे स्लिप में आता है, इसका मतलब होता है ऑडिट करेक्शन। PUR क्या करता है, जब साल का आखिरी होता है तो सभी जवानों का ऑडिट करेक्शन करता है। जिस जवान को यदि पेमेंट ज़्यादा मिली है तो वो उसकी माइनस करेगा और यदि जिस जवान की पेमेंट कम मिली है तो ऑडिट करेक्शन के माध्यम से उसको पेमेंट देगा। टेस्ट डेट, अटेस्टेशन डेट, यानी जिस दिन जवान शपथ लेता है वो डेट। बेसिक लिखा होगा तो बेसिक पे। MEDCAT, मेडिकल कैटेगरी। कैंसिल लिखा है, कैंसिलेशन, यदि कैंसिल लिखा हुआ आता है तो ये आप समझ सकते हैं कि आपकी यूनिट की तरफ से पार्ट ऑर्डर को कैंसिल किया गया है। CB प्रिंस, क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल। CATG, कैटेगरी। CCA, सिटी कंपेंसेंट्री अलाउंस। CCOTH, सिटी कंपेंसेंट्री अदर टाउन्स अलाउंस। CCZ, सिटी कंपेंसेंट्री जेड क्लास। CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये तो आप सभी जानते हैं, जो जवान बच्चों का CA क्लेम करता है उसको तो पता है। CFAA, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। छापा, कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। CLOA, क्लॉथिंग अलाउंस, जब आपकी अगस्त की पे स्लिप में ₹10,000 आते हैं तो वो क्लॉथिंग अलाउंस के आते हैं, CLOA लिखा होगा। CLPay, यानी क्लास पे, इसको टेक्निकल ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। CMFAA, कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। DA, जहाँ पर DA लिखा होता है उसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। DISCH,
डिस्चार्ज, EXTNAL, एक्सटेंशन ऑफ एनुअल लीव। जब आप छुट्टी गए हैं और 10 दिन या 20 दिन की छुट्टी बढ़वाई है तो एक्सटेंशन ऑफ एनुअल लीव होगा। ELARM, जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनकी पे स्लिप के अंदर POR द्वारा ELARM लिखकर कुछ पैसे डिडक्शन किए जाते हैं, वो होते हैं एक्सेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो बिजली का बिल होता है। जवान समझ नहीं पाते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या लिख कर आया है और हमारे पैसे डिडक्शन हो गए हैं, तो वो बिजली का बिल होता है। FAMO, फैमिली अलॉटमेंट ऑर्डर, GS पे, गुड सर्विस पे, ये नायक और हवलदार को मिलती है। होकल, हाई अल्टीट्यूड अनकॉन्जेनियल क्लाइमेट। एच कॉमन, ग्रांट ऑफ ऑनरेरी कमीशन, ये आप सभी को पता है जब ऑनरेरी कमीशन ग्रांट होता है। HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये सभी जवानों को मिलता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को पब्लिश किया जाता है। HOS SUB, हॉस्टल सब्सिडी, ये आज के टाइम में 1,08,000 रुपये हैं। INCR, इंक्रीमेंट, जो हर साल आपको इंक्रीमेंट लगता है वो INCR लिखकर आएगा। इंस्टॉल, इंस्ट्रक्टर अलाउंस, जो सेंटर के अंदर इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके INSTAL लिखकर पे स्लिप में आता है। INT, इंटरेस्ट, जब आपके फंड पर इंटरेस्ट जुड़ के आता है तो INT लिखा होता है। LRA, लोअर रेट ऑफ राशन अलाउंस। LSGCM, लॉन्ग सर्विस एंड गुड कंडक्ट मेडल। LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। लगेज, लगेज चार्ज। MACPS, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, ये 8, 16 और 24 साल बाद मिलती है। MAT डेट, मेच्योरिटी डेट। MSP, मिलिट्री सर्विस पे। NRA, नॉर्मल रेट ऑफ राशन अलाउंस। PAN, पर्सनल अकाउंट नंबर। PIBON, बोनस, जो दिवाली का बोनस आता है वो आपके पे स्लिप में PIBON के नाम से आएगा। PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। POSIN, पोस्टिंग इन। SCCIA अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। REGAL, रेगुलराइजेशन ऑफ अब्सेंस। REGOSL, रेगुलराइजेशन ऑफ ओवरस्टे लीव। REJTYPE, रिजेक्शन टाइप, जब पार्ट ऑर्डर कोई रिजेक्ट किया जाता है तो किस टाइप का पार्ट ऑर्डर रिजेक्ट करते हैं। PMHA, ये सभी जवानों की पे स्लिप में आता है लेकिन इसका किसी को मतलब पता नहीं होता है। पर्सनल मेंटेनेंस हाइजीन अलाउंस। MTH, मंथ पे फिक्स, पे फिक्सेशन। सियाचिन, सियाचिन अलाउंस। REJAL ऑब्लिक CL, रिजॉइनिंग एनुअल और कैजुअल लीव। SRA, स्पेशल राशन अलाउंस। SUBSCN, सब्सक्रिप्शन, जब आपका फंड का हर महीना डिडक्शन होता है उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। SBDT, सब्सटेंटिव डेट। TPTL, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लोअर रेट। TPTH, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हायर रेट। TPAL, ये सभी जवानों के पे स्लिप में लिखकर आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। TFRGTH, ट्रांसफ़र ग्रांट, जब जवान पोस्टिंग आउट और पोस्टिंग इन होता है उस टाइम ट्रांसफ़र ग्रांट दिया जाता है। VR नंबर, बाउचर नंबर। POSOUT, पोस्टिंग आउट। RUMCIG, ये सभी जवानों की पे स्लिप में लिखा हुआ होता है, रम सिगरेट अलाउंस। BAL, बैलेंस ऑफ एनुअल लीव, जब आप पूरी 60 दिन की छुट्टी काट चुके हो तब बैलेंस ऑफ एनुअल लीव होता है। ADVAL, एडवांस ऑफ एनुअल लीव, यानी करंट ईयर की 60 दिन की एनुअली काट चुके हो और अगले साल की 20 दिन या 30 दिन की छुट्टी एक्सटेंशन कर रहे हो तो एडवांस ऑफ एल होगा। AL, यदि करंट ईयर की 60 दिन की छुट्टी एक साथ जा रहे हो तो एनुअल लीव होगा। OBSN, ऑब्जर्वेशन। DSP, डिफेंस सैलरी पैकेज। PATLVE, पेटर्निटी लीव, जब किसी भी जवान की फैमिली के बच्चा होता है तो डिलीवरी के 15 दिन पहले से लेकर और 6 महीने तक 15 दिन की पेटर्निटी जवान ले सकता है। SL, सिक लीव। ACCLVE, एक्यूमुलेटेड ऑफ लीव, यानी जो छुट्टी इनकेसमेंट करवाते हैं
वो एसीसी लीव होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 दिन की छुट्टी जमा करा सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जमा करने से पेमेंट नहीं मिलता है। यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सीटीसी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, एएफपीपी फंड, आर्मर्ड फोर्सेज, पर्सनल प्रोविडेंट फंड, ये जो आपका फंड होता है उसकी फुल फॉर्म ये है, प्रमोट प्रमोशन, डीओई, डेट ऑफ इनरोलमेंट, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, डीओआर, डेट ऑफ रिकवरी, ओपी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओएसएल, ओवर स्टेइंग विदाउट लीव। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हमने जानकारी ली कि एक जवान किस प्रकार अपनी पे स्लिप के अंदर जो एब्रिवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म होता है उसको समझकर अपनी पे स्लिप के अंदर जो पे एंड अलाउंस क्रेडिट होता है उसके बारे में जानकारी ले सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, एब्रिवेशन के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।